सिवनी के जिला अस्पताल में नॉर्मल डिलीवरी के लिए डॉक्टर के नाम पर पैसे बनाने का खेल चल रहा है। मरीजों के परिजन ने जब इसका विरोध किया तो ड्यूटी पर पदस्थ डॉक्टर ज्योति झारिया ने कहा कि यह सरकारी अस्पताल है, यहाँ कोई पैसा नहीं लगता। अगर हमारे नाम पर कोई रुपए लेता है तो जाहिर सी बात है हमें गुस्सा आएगा। लगातार जिला अस्पताल में डिलीवरी के लिए पहुंची महिलाओं के परिजनों से रुपए की मांग की जाती है। जिला कलेक्टर प्रवीण सिंह भी जिला अस्पताल में हो रहे इस कारनामे पर लगाम लगाने में नाकामयाब से साबित हो रहे हैं। हेलो जी राकेश यादव जी, ये जो अस्पताल में दलालों का खेल चल रहा है पैसे लेने का, इसके बारे में आपकी क्या राय है? मैडम मैं इसका जब अपने मिसेज को डिलीवरी के लिए नॉर्मल डिलीवरी के नाम पे वहाँ पे कुछ महिलाएं हैं जी जो अस्पताल के वार्ड के आसपास घूमती हैं जी जी, और वो कहती हैं कि हम आपकी डिलीवरी नॉर्मल करवा देंगे, आपको खर्चा लगेगा। जब इस संबंध में मैंने कल उनसे बात किया कि हाँ कितना लगेगा जी, तो उन्होंने मुझसे कहा है 5 से 10 हजार रुपए के बीच में लगेगा, हम आपकी नॉर्मल डिलीवरी करवा देते जी। मैंने अपने मिसेज को सुबह 10 बजे एडमिट किया था जी, उसके बाद वो उन्होंने ठीक है हम मैडम से बात करते हैं ये कहकर 4:30-5 बजे दिया था उन्होंने, वो करवा देते हैं आपको खर्चा देना पड़ेगा। तो मैंने वो जो दलाल रूपी जो महिलाएं थी हाँ, तो उनसे पूछा कितना लगेगा, तो बोले 10,000 और 5,000 के बीच में। मैं तैयार हो गया था देने के लिए कि ठीक है आप करवाइए मैं आपको पैसे दे दूंगा, लेकिन 5:30 बजे के आसपास ये कहा गया मुझे कि सीजर के माध्यम से होगा जी। अच्छा, तो जिला अस्पताल के किस व्यक्ति ने मांगा था आपसे पैसा, या फिर जो बाहर घूम रही थी महिलाएं उनका कोई कांटेक्ट है क्या जिला अस्पताल वाले लोगों से? मैडम उस स्थिति को देखता तो मुझे लगता है कि वहाँ पदस्थ जो महिला डॉक्टर हैं या जो भी कर्मचारी हैं जी, उन्हीं के माध्यम से वो महिलाएं जो है दलालों के रूप में घूमती है। अब मैं तो स्पष्ट नहीं कह सकता ना, क्योंकि मुझे मालूम नहीं है कि कौन सी महिला वो मतलब कौन सी महिला डॉक्टर ने पैसे मांगा है, क्योंकि वो नाम नहीं बता रही थी। और आपने पैसे देने का विरोध किया या आपने पैसे दे दिए डायरेक्ट? नहीं, पैसे नहीं दिए मैडम, पैसे नहीं दिए, पैसे देने के लिए विरोध किया। जी जी जी, तो क्या हुआ फिर विरोध किया तो? उन्होंने इलाज करने को मना कर दिया या फिर इलाज किया? नहीं मैडम, वहाँ पे ये हुआ कि जो महिला जब मैंने 5 बजे उनसे बोला कि आप रेफर बनाइए जी, मैं बाहर ले जाऊंगा अपने पेशेंट को, तो बोले नहीं सीजर के लिए ले जाते हैं। जब हम सीजर के लिए ऑपरेशन थिएटर के पास में गया, वहाँ महिला डॉक्टर थी जिन्होंने ये स्पष्ट मुझे ये कहा कि आपको ऑपरेशन करवाना है या नहीं करवाना है, नहीं करवाना तो आप उठाइए और ले जाइए। उसके थोड़ी देर बाद वहाँ एक और महिला डॉक्टर थी जिन्होंने बहुत सहानुभूति बातचीत करते हुए ऑपरेशन थिएटर में ले गई मेरे हम से जी। लेकिन मुझे ये लगता है मैडम कि वहाँ पूरा जो जिला चिकित्सालय अस्पताल है, ये तो मेरे साथ घटना घटी आज, इसलिए मामला उजागर में आया। लेकिन इस तरह कई लोग हैं जो ग्रामीण अंचल से आते हैं, जो अशिक्षित हैं, अनपढ़ हैं, उनके द्वारा उनके माध्यम से भी पैसे मांगा जाता होगा, और ये खेल लगा हुआ कई दिनों से चल रहा है। जी जी जी, ठीक है राकेश जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।